हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6:07, 7:10 जो कि अभी हो चुके हैं, डेली सुबह 7 बजे जो है अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे हम लोग इंडिया की लीडिंग न्यूज है जो कि कवर करते हैं लीडिंग न्यूज़ पेपर में से। डजंट मैटर आप इंडिया में कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका ये जो सेशन होगा वो आपके सभी चीज़ में काम आएगा। आप चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, आप इंडिया में कोई भी एग्जाम है जो कि फाइट कर रहे हो, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन देखने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले भी न्यूज़ के अलावा क्या और सोर्स है जो कि ले सकते हैं। अगर आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन लोगे, कंटेंट लोगे, क्लासेस लोगे, नोट्स लोगे, है ना, कुछ भी लोगे, तो वो सारा कंटेंट जो है वो न्यूज़पेपर में से बनाया जाता है। और जब हम लोग न्यूज़पेपर ही कवर कर रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर रहे हैं, तो फिर जो है आपको कभी भी जिंदगी में लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हमेशा अच्छा पेपर है जो कि करके आओगे, है ना। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज है 9th of August और आज मुहर्रम भी है, तो द हिंदू की तो आज छुट्टी है, लेकिन बाकी न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि 99.99% अगर कोई मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ उस मोमेंट के ऊपर ही, सुबह आपकी क्लास के टाइम पर ही, तो ही ऐसा होता है कि अपनी क्लास नहीं हो पाए। अदरवाइज सर्दी, आंधी, तूफान, कुछ भी हो जाए, ये क्लास है जो कि हमेशा अपनी कंटिन्यू होती रहती है। तो ये 7 AM के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है, कल के पहले के 4 क्वेश्चन है जो कि मैंने दिए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 8th August और 9th August की दोनों की PDF अभी अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद में, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया था गार्जियनशिप को लेकर। तो मैंने भी आपको बताया था कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों में फादर को नेचुरल गार्जियन है जो कि बताया गया है ना, लेकिन जो कस्टडी है वो मदर के साथ में होती है जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाए, है ना। हिंदू लॉ के अंदर 3 साल दे रखा है, लड़कियों के केस में पुबर्टी है जो कि यहाँ पे दे रखा है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के बारे में बोला गया है, सबसे ऊपर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड रखा गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने AOGUSY की केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू करी है, उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, उसको दोस्तों बढ़ाया जा सके, जो ट्रेडिशन मेडिसिन है उसको बढ़ाया जा सके, तो ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात करी थी कि हमारे यहाँ पे कैसे जो हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनके एक्सपेंशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करी जाती है, जिनको करने के ऊपर फोकस किया जाता है, तो ये ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं? तो देखो, जब हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको मालूम है जो हमारे स्टेपल फूड है ना, जो हमारे स्टेपल फूड है, राइस है, वीट है ना, दाल है, ये हमारा मेजर प्रोडक्शन है जो कि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो वैसी गवर्नमेंट होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट के अंदर मंत्री लोग चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABCD के अंदर बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, कि इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन होती है? एक तो आपके जैसे अपने यहाँ पे अभी NDA है और एक UPA है, तो दोनों की रेस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, समझ गए, चाहे कोई अपोजिशन हो या फिर खुद की गवर्नमेंट हो, और उसको रिमूव भी किया जा सकता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आप डिजिटलाइजेशन को बढ़ाते हो और डिजिटल सिक्योरिटी के सिस्टम इंप्रूव होते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी वाले फीचर्स को एड ऑन होते हैं, है ना, तब हम उसको कहते हैं। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, या फिर टेस्ट सीरीज जो है वो लगाना मत भूलिएगा। कम से कम किसी भी एग्जाम में जाने से पहले कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 50 टेस्ट जो कि लगा सकें। तो आप क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करके वहां से भी PDF है जो कि हर क्लास के ले सकते हैं, और वहां पर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, नॉट हाउ लॉन्ग बट हाउ वेल यू लिव्ड इज द मेन थिंग। ओके, लंबा नहीं जीना है, अच्छा जीना है ना। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि बहुत पहले राजेश खन्ना ने अपने एक मूवी के डायलॉग के अंदर भी बोली थी, और ये बिल्कुल सही बात है यार। आप कितना जीते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कैसे जीते हो वो मैटर करता है ना। हो सकता है कि आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादा हो जीने के, हो सकता है कि आपके पास में बहुत टैलेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके पास में लाइफ में बहुत चीजें हो, मतलब जो कि दुनिया में बहुत लोगों के पास में नहीं है, लेकिन ये सब मैटर नहीं करती। एंड ऑफ द मैटर नहीं करता कि आप जीते कैसे हो, क्या आप 24 घंटे के अंदर आपने दुखी दुखी अपना पूरा दिन जो है वो ऐसे सैड फेस के बीच में गुजारा है, या ऐसे करते हुए गुजारा है, या फिर आपने अपने दिन का मेजर पार्ट जो है वो स्माइल करते हुए गुजारा है। डजंट मैटर कंडीशन कैसी चल रही है, आप अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, लेकिन जीने का तरीका आपको सीखना पड़ता है,
समझ गए, अगर आज किसी को मर्सिडीज चाहिए या फिर कोई भी या साइकिल चाहिए, है ना, चाहिए सबको कुछ ना कुछ जीवन के अंदर, अगर कुछ भी चाहिए, लेकिन उस जर्नी के अंदर, चाहने के अंदर आप कितने खुश रहते हो, दैट इज द मेन थिंग। वहीं पर ही जीत होती है इंसान की और वहीं पर ही हार होती है इंसान की, समझ गए। क्योंकि पहुंच तो इंसान जाता है, गिरते पड़ते कुछ ना कुछ करते करते वो अचीव कर लेगा, दैट इज नॉट द इशू, लेकिन वो अचीव करने के अंदर जो है वो कैसे जीवन जीता है, दैट इज द मेजर थिंग, है ना। क्या उस जर्नी के अंदर आप खुश हो कि नहीं हो, आप लोगों की मदद करते हुए चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आगे बात करते हैं तो देखते हैं आज का फ्रंट पेज। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। सबसे पहले तो द हिंदू तो आज आया नहीं है, आज छुट्टी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लक्ष्य सेन है जो कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग बॉडी देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक लेवल की बॉडी। यहाँ पे बिहार के अंदर दोस्तों वापस से सत्ता बदलने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी जो है वो अभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से काफी टसल चल रही है। NDA गवर्नमेंट से हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, है ना। बिहार असेंबली के अंदर अभी क्या है कि JDU और साथ में BJP ने मिलकर सरकार है जो कि बना रखी है। BJP के यहाँ पे 77 है और JDU के यहाँ पे 45 MLA है। RJD के बारे में बात करें तो RJD के यहाँ पे 79 MLA है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 19 MLA है। तो कांग्रेस के साथ में मिलकर बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी और को भी मिलाना पड़ेगा, है ना। और मेजरली चांसेस किसके, RJD के ही हो सकते हैं, तो इसके अलावा कुछ और रीजन है नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। नीतीश कुमार हमेशा इलेक्शन से पहले जो है वो हमेशा बहुत ही दिमागी आदमी, नीतीश कुमार उस तरफ जाते हैं जिस तरफ पलड़ा भारी होता है, और हमेशा CM खुद बन जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है गाइस, जहाँ पे बात करेंगे ये इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स है जो कि खत्म हो चुके हैं और हम लोग 4th पोजिशन के ऊपर है जो कि कॉमनवेल्थ के अंदर आ चुके हैं। लास्ट डे हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा, शटलर्स के लिए बहुत अमेजिंग रहा, TT में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो हमारे मेडल बढ़े और हमने जो है 4th पोजिशन है जो कि हासिल करी, है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब एक अपार्टमेंट के बाहर ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो कि एक श्रीकांत त्यागी के द्वारा बनाया गया था। ये मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। एक्चुअली में हुआ क्या कि एक लड़की को अब्यूज कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था कि श्रीकांत विजय करके दिल्ली में आदमी, इसका वीडियो वायरल हो गया। बाद में जो है वो BJP से इसका लिंक निकला, इसने जिस अपार्टमेंट में महिला रहती थी वो भी उसी में रहता था, तो वहाँ पे गुंडे उंडे भेज दिए, कुछ कोई आया नहीं वहाँ पे, फिर पुलिस वुलिस आई, बाद में फिर थोड़ा हंगामा मचा, तब जाके अभी ये बंदा भागा हुआ है अभी, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है कि वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी जो है वो बताया नहीं जा सकता, वो उन्होंने बोला है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बात करी गई आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे कर्नाटका ने दोस्तों एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे डाटा दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मेंस की राइटिंग के अंदर ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, है ना। ये टॉपिक आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपको, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो इसको। चलिए इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि पेंडेमिक के बाद में एम्प्लॉय जो है वो वापस से दूसरे शहर में जाने को रेडी नहीं है, घर पे रहना चाहते हैं, इसलिए कंपनी अपने छोटे छोटे ऑफिस है जो कि छोटे छोटे शहरों में ओपन कर रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है यार, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, कॉमनवेल्थ के बारे में। लक्ष्य सेन आप देख सकते हैं, सिंगल बैडमिंटन इवेंट है जो कि बर्मिंघम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और शटलर्स ने दोस्तों 3 गोल्ड है जो कि हमें दिलाए लास्ट डे, और इससे जो है हम लोग 4th पोजीशन के ऊपर है जो कि कॉमनवेल्थ टैली के अंदर है जो कि पहुंच गए। PV सिंधु ने भी मेडल जीता, मिक्स्ड इवेंट में भी गोल्ड मेडल है, PV सिंधु का गोल्ड मेडल है और लक्ष्य सेन का गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। डबल्स टीम थी सात्विक की और चिराग की, इन्होंने भी डबल्स के अंदर गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया, ठीक है। इस तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि शटलर्स के रही है, वरना हमेशा क्या होता है कॉमनवेल्थ के अंदर मलेशिया के जो शटलर्स है ना वो धूम मचाते हैं, इस बार जो है हमने उनका डोमिनेंस है जो कि काफी हद तक खत्म किया है, ठीक है गाइस। चलिए ऑल राइट, तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड को हमने दोस्तों 20 गोल्ड थे न्यूजीलैंड के पास, उनको पीछे करके अभी हमारे पास में 22 गोल्ड आ गए और हमने 4th पोजीशन है जो कि लास्ट डे हासिल कर लिया। हालांकि लास्ट जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2018 के अंदर गोल्ड कोर्स के अंदर, उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा मेडल थे, लेकिन इस बार हमारे पास थोड़े बहुत 4-5 मेडल का डिफरेंस है जो कि हमारे पास कम आए हैं, है ना। आप देख सकते हो कि बैडमिंटन के अंदर PV सिंधु और साथ में चिराग और रेडी और साथ में यहाँ पे लक्ष्य सेन, इन तीनों ने जो है वहाँ पे हमें गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी अगर मैं फिलहाल बात करूँ दोस्तों तो हमने सबसे ज्यादा जो मेडल जीते वो देख सकते हो आप रेसलिंग में और वेट लिफ्टिंग के अंदर, सबसे ज्यादा मेडल है जो कि हमने हासिल करे। तो टोटल हमारे जो मेडल रहे वो 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज रहे, 61 टोटल मेडल है जो कि हमने हासिल करे। पुरुषों ने 35, महिलाओं ने 23 और मिक्स इवेंट में 3 मेडल है जो कि हमने जीते हैं। हमारा मेजर जो रहा वो रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग रहा।
आप एक बात बताइए, आपको मालूम है कि हम लोग ओलंपिक्स में इतने पीछे क्यों रहते हैं? उसका भी कारण बताऊंगा आपको मैं। हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत ज्यादा हमने इतना स्ट्रैटेजिकली हम लोग बहुत पीछे हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे रहा एज यूजुअल दोस्तों, 67 गोल्ड मेडल। मतलब मैंने आपको बताया था ना ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खतरनाक कंट्री है, मतलब है ना, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के हमारा जो टोटल बजट है, हमारे पूरे कंट्री का जो बजट है, 140 करोड़ लोगों का जो बजट है, वो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है विक्टोरिया, उसका स्पोर्ट्स का बजट है। उसका फर्क आप देख सकते हो सीधे सीधे, 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं पूरे कंट्री में, लेकिन उसके बाद इतने से लोग होने के बाद में भी इतने मेडल लेके चले जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कल्चर है कि 6 बजे बाद में कोई काम वाम नहीं करता है, मतलब सिर्फ इंडियंस ही, और इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये लोग ही काम करते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन 6 बजे बाद में कोई काम नहीं करता। इनफैक्ट 5 बजे बाद में अगर आप उनकी मेजर सिटीज में जाओगे ना, सिडनी, मेलबर्न, तो 5-6 बजे बाद में दुकानों शॉप्स सब क्लोज हो जाती है ना। वीकेंड पे तो पूरे रात लोग पीते हैं वहां पे, बियर पीते हैं, फुल पार्टी करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो पूरे 24 घंटे ही खुला रहता है, तीनों दिन खुला रहता है सब कुछ। लेकिन अगर आप नॉर्मली 5 दिन देखोगे ना, तो 5-6 बजे बाद दुकानें बंद, सब बंद हो जाएगा एकदम। लोग कोई स्केटबोर्डिंग उठा के चल देगा, कोई साइकिल चला रहा होगा, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, मतलब बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब लोग जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 5-6 बजे बाद कोई काम वाम नहीं करता वहाँ पे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस तो बिल्कुल भी नहीं करते है ना। तो और वहाँ पे उनको कोई पैसों का कोई वो भी नहीं है, उनको मालूम है नौकरी हमें मिल जाएगी, सरकार हमारा बुढ़ापे के बाद ध्यान रख लेगी, घर वर दे देगी, रहने के लिए पेंशन दे देगी, तो वो चिल करते हैं। उनको कोई एम्बिशंस नहीं होते, एम्बिशन जीरो है मतलब। और इसी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हो मेडल में 2.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन मेडल कितने खतरनाक है। उसके बाद सेकंड पे इंग्लैंड, फिर कनाडा 26 मेडल, और फिर हम लोग हैं 22 के साथ। हम लोग बड़ी मशक्कत के बाद में जो है ये जीते हैं। हमारे यहाँ पे अमेजिंग स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्समैन की, है ना, बहुत ही गरीबी से उठते हुए बहुत स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो हम लोग 61 मेडल के साथ में, न्यूजीलैंड है उसके नीचे, स्कॉटलैंड भी है मतलब 6 नंबर पे। स्कॉटलैंड यार मतलब हमारी एक कॉलोनी के बराबर है स्कॉटलैंड। मतलब आप चाहकर भी लोग नहीं देख पाओगे यहाँ पे स्कॉटलैंड की। अगर ग्लासगो, एडिनबरा दो सिटी छोड़ दोगे ना, तो तीसरी में तो आप चाहकर भी लोग नहीं देख पाओगे वहाँ पे, इतने कम लोग हैं। चलो ठीक है, उसके बाद में नाइजीरिया है, फिर वेल्स है, फिर साउथ अफ्रीका, और उसके बाद में मलेशिया। अगर हमारे टोटल कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अभी आज तक की स्टोरी देखें, तो टोटल हमने 550 मेडल के आसपास जीते हैं। 200 गोल्ड मेडल हमने कंप्लीट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के 1000 गोल्ड मेडल कंप्लीट हो गए। हम लोग ओवरऑल जो है वो 4th नंबर के ऊपर है। हमने 1934 से जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। लास्ट टाइम के बारे में बात करें तो आप 2010 के अंदर हम लोग 2nd नंबर पे थे, जब हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली में ही टूर्नामेंट आयोजित करवाया गया था, 101 मेडल हमने जीते। 2014 के अंदर मेडल कम हुए, 64, हम लोग 5वें नंबर पे रहे। फिर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो वापस 2 मेडल बढ़े, 66 पे पहुंचे हम लोग, और 3rd नंबर के ऊपर थे हम लोग लास्ट टाइम पे। अभी हमारे मेडल वापस से 61 पे आ गए हैं और हम लोग इस बार 4th नंबर पे पहुंच गए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2014 से लेकर 2022 मतलब 6 साल निकल गए, लेकिन हमारे मेडल अभी भी उतने के उतने ही हैं। इनफैक्ट 3 मेडल कम और हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे 203 मेडल। तो मतलब कुल मिला के परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है यार स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना। जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड पावर बनना है हमें, तो उसमें स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इन दुनिया में स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर डोमिनेट करना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो अगर हमारे ओवरऑल देखोगे तो हमने सबसे ज्यादा जो मेडल आज तक जीते ना, वो हमारे शूटिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग, ये 3 हमारे फोटे रहे हमेशा, शूटिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। लेकिन अगर आप ओलंपिक को स्टडी करोगे ना, तो ओलंपिक के अंदर जो 50 बहुत सारे गेम्स होते हैं ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक के अंदर जो 50% जो मेडल होते हैं ना, वो सिर्फ और मेजरली 4 या 5 गेम के अंदर होते हैं। मेजरली 50% मेडल, जिसके ऊपर अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप, ये सारे के सारे उसी गेम के ऊपर फोकस करते हैं, समझ गए। क्योंकि 50% मेडल उन्हीं गेम में से जो है वो ओलंपिक्स में मिलते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उन 5 गेम में से हम लोग जो है वो 4 गेम में बहुत ही पीछे हैं। बस एक हमारा यहाँ पे रेसलिंग वाला जो गेम है, उसके अंदर हम लोग ठीक है ना, उसमें हमारा थोड़ा डोमिनेंस है। वेट लिफ्टिंग में हमने कॉमनवेल्थ में जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में हम लोग वेट लिफ्टिंग में इतना नहीं कर पाते, ठीक है गाइस। चलिए अब देखिए, दुनिया में कौन से वो 4-5 स्पोर्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट दुनिया करती है, 50% मेडल देखने को मिलते हैं। एक तो स्विमिंग है दोस्तों, स्विमिंग में आप देखोगे कॉमनवेल्थ में भी हमने आज तक सिर्फ 1 ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्विमिंग में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेडल होते हैं, है ना। जिमनास्टिक में बहुत सारे मेडल्स होते हैं, जिमनास्टिक में भी हम पीछे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आ जाएगा आपका एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में भी हम लोग पीछे हैं। ओके, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, ये 4 और 5,
तो हम लोग अगर पांच दुनिया के टॉप पांच स्पोर्ट जो कि ओलंपिक में 50% वेटेज रखते हैं गोल्ड मेडल्स का, उसमें सिर्फ हम लोग एक ही के अंदर जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग है, तो जो बाकी के जो चार है ना, इनके ऊपर हैविली हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हैविली ट्रेन करने की जरूरत है हमारे स्पोर्ट्समैन को, ताकि वो भी मेडल लेके आ सके। अगर यहाँ पर हमने मेडल लेके आना चालू कर दिया ना, तो बहुत ही अमेजिंग बात हो जाएगी। इस बार हमने अच्छी बात पता है हमारे ओलंपिक कॉमनवेल्थ में क्या हुआ है कि हमने एथलेटिक्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है ना, स्विमिंग के अंदर भी हमारे एक दो लोग थोड़े बेटर आए हैं, तो ये थोड़ा सा अचीवमेंट है जो कि इस बार के अंदर हमारे रहा है। आगे बात करते हैं कर्नाटका को लेकर। देखो अभी रिसेंटली कर्नाटका ने क्या किया, दो राज्यों के अंदर है ना, दो जगह पे क्या किया कि एग को है ना कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था अपना मिड डे मील के अंदर। आपको मालूम है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे है ना, हर तीन में से एक बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का कुपोषण का शिकार है ना। उसका मतलब होता है तीन तरीके से कुपोषण होता है, एक तो या तो आपकी हाइट नहीं बढ़े, एक आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, और एक आपके मिनरल्स की बॉडी में कमी है जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीन में से हर एक बच्चा जो है वो हमारे देश में ऑन एन एवरेज माल न्यूट्रिशन का शिकार है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे कई सारे स्कूल्स के अंदर सरकारी में, और वहाँ पे मिड डे मील में है ना एग और बनाना ऐड कर दिया, एग और बनाना को एड ऑन कर दिया। और पता है हुआ क्या, आफ्टर फ्यू मंथ्स जब वहां पे चेक किया गया है ना, तो पता है क्या हुआ कि इन दोनों चीजों के ऐड करने की वजह से वेट बच्चों का इंक्रीज हो गया और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या हो गई, थोड़ी बहुत रिड्यूस हो गई। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो कि यहाँ पे देखने को मिला, क्लियर एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ओके, उनके एग का उनका ऐड करते मिड डे मील में गर्ल्स के अंदर जो 8 साल की है उनका नियर बाय 71% मोर वेट है जो कि ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली उनके जिनको बिल्कुल भी एग है जो कि नहीं मिला था, समझ रहे हो। तो ये एक स्टडी है जो कि कमीशन करी गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे 4,500 स्टूडेंट को चेक किया गया दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई। तो यहाँ पे BMI जब हम लोग चेक करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो चेक करते हैं, मालूम है ना स्केल होता है आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, तो BMI के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का चेक किया गया, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई, आप देख सकते हैं मिड डे मील के अंदर है ना कि स्टडी जो है वो करी गई एग्स और बनाना इंट्रोड्यूस करने के बाद में। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर थोड़ा सा अलग बात लिखी हुई है, वहां पे बोला गया है कि सर्विंग एग्स एंड मीट इन मिड डे मील कैन कॉज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई एग्स और मीट को जो है वो एड ऑन मत करो, क्योंकि ये बच्चे बाद में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ स्टाइल का क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। खाना पसंद तो करेंगे, 75% इंडिया इज अ नॉन वेजिटेरियन कंट्री है ना, खाना पसंद तो करेंगे लेकिन फिर वो घर पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मना किया गया था, नॉनवेज यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, लेकिन एग्स यहाँ पे है ना, एग्स को मतलब मीट को ऐड नहीं किया गया क्योंकि वो अफोर्डेबल भी नहीं है किसी बच्चों के लिए भी और मे भी गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन एग्स अफोर्डेबल है मतलब है ना सरकार के लिए, तो एटलीस्ट तो एग्स एड ऑन करेगा, उसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट है जो कि देखने को मिला। ग्रोथ और न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर जो है वो काफी बेहतर है, जो कि यादगीर करके एक जगह है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखने को मिली। नियर बाय यहाँ पे 90% अगर आप बच्चे देखोगे ना, उन्होंने जो है वो कंजप्शन किया था इसका है ना, बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने मना किया अंडे खाने के लिए, संडे हो मंडे हो रोज खाओ अंडे, आपको स्लोगन सुना होगा आपने बहुत ही बचपन में जब छोटे थे ना, तब बहुत एग एसोसिएशन बहुत प्रमोट करती थी टीवी के ऊपर उस टाइम पे, बहुत ठीक है बहुत चीजें बहुत काफी डेवलपमेंट है जो कि एग इंडस्ट्री के अंदर हुआ था। तो ये 15 मेंबर की टीम है जिन्होंने कर्नाटका स्टेट रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज यूनिवर्सिटी जो है उनके द्वारा इसको किया गया। तो आप कुल मिला के जब आपके मेंस के अंदर अगर माल न्यूट्रिशन की कोई भी प्रॉब्लम का आती है तो आप उसमें एक एग्जांपल दे सकते हो, जब आप मेजर्स बताते हो ना कि आप कि मेजर्स क्या हो सकते हैं कि जिससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देश में कम हो सकती है, तो उसमें वन ऑफ द मेजर जो है वन ऑफ द मेजर के अंदर आप ये दे सकते हो और उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि इस तरीके से हुआ और वहां पे जो है ये रिजल्ट जो कि आया। जब फैक्ट फाइंडिंग होकर जब रिजल्ट आता है तो वो आपकी राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो होता है बस आपने लिख दिया कुछ भी, बस कर दो, बस ये कर दो वो कर दो, और एक आप एग्जाम्पल देते हो किसी को और फिर आप लिखते हो है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 kg तक का वेट है जो कि यहाँ पे गेन हो गया कई सारी जगह पे। तो माल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं हमारे यहाँ पे डाटा क्या बोलता है, कहाँ गया, हाँ तो माल न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया 3 फॉर्म में होता है, एक तो वेस्टिंग हो गया, एक स्टंटिंग हो गया और एक अंडरवेट हो गया है ना, जहाँ पे विटामिन मिनरल्स ओबेसिटी की प्रॉब्लम ओवरवेट होना डाइट रिलेटेड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होना ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है।
ज्यादा वेट होना भी जो है वो प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन होता है, समझ गए? तो तीन कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपके हाइट कम रह जाना, एक वेट कम रह जाना, और तीसरा आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना। माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, विटामिन और मिनरल्स है, ये नहीं मिलना। तो तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर प्रोग्रेस तो करी है, लेकिन प्रोग्रेस करने के बाद में भी कोई बहुत ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें 38% बच्चे जो हैं, है ना, वो स्टंटिंग के शिकार थे, स्टंटिंग थे, हाइट बहुत कम थी। और अब जब रिसेंट वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया 2019-20 में, तो उसमें 35%, तो 3% का रिडक्शन है जो कि देखने को मिला। 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वहां पे बच्चे जो है वो इंक्रीज हो गए, मतलब जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और केरला, यहाँ पे ज्यादा हो गए बल्कि कम होने के बजाय। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें में ये भी बताया गया कि 57% महिलाएं और 67% बच्चे वो हमारे यहाँ पे खून की कमी से पीड़ित है, अनीमिया जिसको कहते हैं, है ना, रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी के अंदर कम होता है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर एग इज ए वेजिटेरियन और नॉट, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग इज ए वेजिटेरियन और नॉट। देखो बात क्या है, है ना, बोलते ना कि मीट, अंडे, मांस, मच्छी, ये सब जो है क्या है, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ओके। और जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर ही ये कंपोनेंट है जो कि हमेशा से होते हैं, है ना। तभी तो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, यहाँ पे ये सब नाटक भी बहुत हुए कर्नाटका के अंदर कि नहीं, एग को मत इंक्लूड करो, ये वो। दूसरी बात क्या होता है कि जो एग खाने वाले हैं, है ना, वो अपने आप को वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं, लेकिन ये बात जस्टिफाई नहीं हो पाती। तो उन्होंने अपने लिए एक और नया टर्म निकाल लिया, इगैलिटेरियन, कि ना तो हम वेजिटेरियन हैं ना हम नॉन वेजिटेरियन, हम तो इगैलिटेरियन हैं, हम सिर्फ एग खाते हैं, हम लोग मीट नहीं खाते, है ना। ये कुछ उसी तरीके से कि नहीं 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 मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं सिर्फ बियर पीता हूँ। अरे भाई, बियर अल्कोहल नहीं है क्या, या बियर नॉन वेज, सॉरी, बियर अल्कोहल में नहीं आती है क्या? कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, याद है, आप देख सुना होगा आपने। तो ये कुछ उसी प्रकार की बात है कि नहीं नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं सिर्फ एग खाता हूँ। तो एग खाने वाले लोगों के नया टर्म निकाला गया एगलिटेरियन, वो उन्हीं के द्वारा निकाला गया, क्योंकि वो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन नहीं कहलाना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे नॉन वेजिटेरियन इंक्लूड होगा यार वो, वरना तो मैं भी कंज्यूम कर लेता, आई एम ए वेजिटेरियन बाय द वे। चलो ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट थोड़ा बहुत डाटा और देख लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट, एक महिला जो ऑन एन एवरेज, है ना, जिनके बच्चे होते हैं, तो पहले 2 पे पहुंच गए, पहले 2.2 था ये, तो ये एवरेज जो है वो हमारे 2 बच्चे तक है जो कि पहुंच गया। चलिए, और 5 ऐसे राज्य इंडिया में बचे हैं जहां पे रिप्लेसमेंट रेट होती है 2.1, जितनी पॉपुलेशन है ना उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी हमेशा, अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट रहेगा तो। 2.1 से कम हो गया तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी, तो हमारे यहाँ पे 2.1 से जो है वो कम हो गया है। जहां पे 2.1 है वो राज्य है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। बिहार और मेघालय की बात करें तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है जो कि देखने को मिलेगी, जबकि सिक्किम और अंडमान जो है यहाँ पे सबसे कम फर्टिलिटी रेट है जो कि आपको देखने को मिलेगी। 1992-1993 में ऑन एन एवरेज 7 बच्चे है जो कि एक महिला के हुआ करते थे, अभी वो कम हो के कितने हो गए, 2.0 पे है जो कि पहुंच गए, 7 बच्चे। जब अपन लोग पैदा हुए थे तब ऑन एन एवरेज 7 बच्चे हुआ करते थे, ओके, 7 साल तो इसी में निकल गए प्रोसेस में ही। चलो ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा शहरों के अंदर जो है वो और भी कम हो गई है, 1.6 पे पहुंच गई है, है ना। शहरों में भी पहले 7 बच्चे थे एक महिला के, और धार्मिक समुदाय जो है उनके अंदर भी काफी गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट के अंदर। मैक्सिमम फर्टिलिटी रेट में जो गिरावट दर्ज करी गई है वो मुस्लिम के अंदर करी गई है, ठीक है, रिलीजन कम्युनिटी के अंदर। पिछले 20 सालों में फर्टिलिटी रेट बच्चे करने की बहुत ही कम है जो कि किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम भी है माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, ICDS स्कीम है, नेशनल हेल्थ स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा है, ये सारी स्कीम है। अभी कुछ टाइम पहले पोषण अभियान भी लॉन्च किया गया 2018 के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर 8 मार्च को, याद होगा आपको, जिसमें हमने जो है क्या करने के लिए बोला, हमने बोला कि जो स्टंटिंग है, माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, ये सारे जो बच्चे हैं ना इनके हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, कितना परसेंट, 2%, 2%, 3% और 2%। 4 कैटेगरी इंक्लूड करी गई थी, एक तो स्टंटिंग, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक अनीमिया और एक आपका हो गया लो बर्थ वेट। बच्चा जब पैदा होता है ना तो कई सारे बच्चों का वेट बहुत कम होता है, 2.5 किलो से कम जब बच्चा होता है तो उसको लो वेट है जो कि कहते हैं।
तो इनको कम करने के लिए बोला गया, कितना कितना परसेंट, दो दो तीन और दो, तो आपको बस ये 3% वाला ध्यान रखना है जो कि अलग से लिखा हुआ है, जो कि आपके अनिमिया को लेकर है, बाकी सब में 2% का टारगेट है, समझ गए मेरी बात, तो अनिमिया 3% का टारगेट है, ठीक है। चलिए, और 2022 का टारगेट था कि जो छोटे हाइट वाले बच्चे हैं 2 से 6 साल तक के, उनको 4% तक जो है हम लोग कम कर देंगे 2022 के एंड तक, ये भी टारगेट में जो है वो कहा गया। आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट जो है वो किस तरीके से ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, हम लोग 2 के ऊपर आ गए हैं। चलिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे चाइनीज फोन के ऊपर जो है वो सरकार कोशिश कर रही है कि इनको जो है वो कंट्रोल किया जाए। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हमारे देश में चाइनीज फोन ने जो बम्बार्टमेंट करी है और जो बिजनेस किया है ना, पिछले जियो के इंटरनेट फ्री करने के बाद में 5-6 सालों से वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर आया। जब जियो फ्री आया था तभी मतलब सरकार को अगर कोई कंपनी बना देती ना, सरकार खुद ही अपने मोबाइल फोन के 10,000 से छोटे सस्ते मोबाइल फोन के, तो वो कंपनी आज अलग बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी होती है ना, लेकिन चाइनीज ने उसका फायदा उठाया, 10,000 से छोटे एप्पल, ये एप्पल तो क्या क्या हो क्या ये ओप्पो वीवो और जो शाओमी ना जो मोबाइल फोन है वो लॉन्च करे और पूरे देश के अंदर चाइनीज फोन है जो कि पहुंच गए, बहुत बिजनेस कमाया। अब जाके सरकार जागी है, सरकार को लगता है कि नहीं चाइनीज ने बहुत पैसा कमा लिया, अब एक काम करते हैं इनका पैसा कमाना बंद करते हैं, अब एक काम करते हैं कि जो 12,000 रुपए से जो नीचे के मोबाइल फोन है ना उसके अंदर चाइनीज कंपनी जो है वो मोबाइल बेच ही नहीं सकती। ये रूल है जो कि आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक मोबाइल फोन कंपनी है जो 12,000 से सस्ते मोबाइल बनाती है जिनसे कोई खास मोबाइल बनते नहीं है, और एक बार अभी कुछ टाइम पहले माइक्रोमैक्स ने कोशिश करी थी लेकिन वो फेल हो गए वापस से, उन्होंने कोशिश ये भी करी थी कि इसको देशभक्ति का तड़का लगाया जाए इसके अंदर, सारी कोशिश करी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्वालिटी जो है वो हमेशा मैटर करती है। आप चाहे कितने देशभक्त हो, जब आपको दिखता है कि यार ये चीज़ 5,000 की, ये चीज़ 10,000 की है और 5,000 वाली चीज़ बेहतर है, तो देशभक्ति आप साइड में रखकर जो है वो 5,000 रुपये पे करते हो, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश नहीं करते हो, है ना। तो इसी वजह से चाइनीज़ के मोबाइल फ़ोन अगर आप देखोगे तो क्वालिटी अच्छी होती है, 5-7 हज़ार रुपये में बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। हमें भी ज़रूरत है कि इसी तरीके की कंपनी जो है हमारे देश में बने और हमारे ये कंपनी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे, ताकि हमारे देश के लोग जो है खुद का पैसा आकर खुद ही यूज़ करेंगे और नौकरियाँ भी ज़्यादा होगी, काफ़ी बेनिफिट होगा उससे, लेकिन क्वालिटी वाली बात है, ठीक है। तो ये 12,000 रुपए से कम सेगमेंट के फोन जो है उसके अंदर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बजट फोन के अंदर चाइनीज है जो कि ज्यादा है, तो हम लोग जो है $150 से कम के जो है ना उनको बैन करके इंडस्ट्रियल डिमांड को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शाओमी ने जो है वो बहुत ही खतरनाक काम है जो कि किया है, ठीक है गाइस। तो ये बात है, हम पूरे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट है जो कि हमारा कंट्री है, और इस सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट के अंदर हमारी खुद की कंपनी का ही कोई रोल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, यहां पे ज्यादातर बच्चे जो देख रहे होंगे ना तोड़ मध्य तोड़ोगे तो के नहीं आप समझदार आदमी हो, ठीक है। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि तोड़ दो, अरे भाई तोड़ने का क्या मतलब है यार, आपने पैसे दे दिए अब उसको पूरा काम में लो, तोड़ने का क्या लॉजिक है, पैसे खरीदो मत, चलो ये बात समझ में आती है ना, लेकिन तोड़ने का क्या लॉजिक है, वो तो आपने पैसे दे दिए ना, उसको तो मिल गए ना पैसे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये ओप्पो वीवो भी दोनों एक ही कंपनी है, सब जो है चाइनीज ने जो है गंगाधरी शक्तिमान है उसके ऊपर खेला और 2-3 अलग अलग कंपनी लॉन्च करी, सब किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सारी कंपनी एक ही आदमी की है और सब आपस में कॉम्पीट करके पूरा मार्केट लेके चले गए। एक वो मोमेंट तो ऐसा था कि मेरे ख्याल से शाओमी था या पता नहीं कौन सा मोबाइल था कि उसकी सेल ओपन होती थी 12 बजे दिन में, और 1 घंटे के अंदर वो 50,000 मोबाइल बेच देता था, 1 घंटे के अंदर ही ऑनलाइन ऑर्डर 50,000 बुक एकदम 1 घंटे के अंदर ऑनलाइन, ऐसा भी वक्त आया था एक बार। अभी हो सकता है जो जियो स्मार्टफोन लेके आ रहा है गूगल के साथ में मिलकर, तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। चलिए, क्योंकि गूगल कोई बेकार तो बनाएगा नहीं और उसमें जियो साथ में है तो जियो भी क्वालिटी पे तो काम करेगा ही करेगा। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जनसत्ता की। ये फ्रंट पेज है आपका जिसके अंदर कुछ खास ऐसा नहीं है, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हॉकी के अंदर दोस्तों हम लोग जो है वो मेडल नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व जो है वो कायम रहा, हॉकी के फाइनल के अंदर हम लोग हार गए और सिल्वर मेडल हमने हासिल किया। जब से स्टार्ट हुए ना कॉमनवेल्थ हॉकी के अंदर 7 बार गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत चुका है 1998 के बाद से। हमने 2010 में और 2014 के अंदर जो है वो पहले सिल्वर मेडल हम लोग जीत चुके हैं। साथ में बात करते हैं टीटी की दोस्तों, तो साथियान जो है इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल है जो कि जीता। पेपर में पूछेंगे साथियान कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, दुनिया के 35वें नंबर के ऊपर है। 200 गोल्ड मेडल हमने जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 1,000 गोल्ड मेडल है जो कि कॉमनवेल्थ के अंदर जीत चुका है।
ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर मैक्सिमम इंग्लैंड है, फिर कनाडा है, चौथे नंबर के ऊपर हमने दोस्तों पहली बार 1958 के अंदर है जो कि मेडल जीता था, ठीक है, मिल्खा सिंह ने, याद होगा पिक्चर देखी होगी आपने, ठीक है गाइस। और हमारा 2010 में जो दिल्ली में हुआ ना, उसमें हमारे मैक्सिमम 38 गोल्ड मेडल है जो कि हुआ करते थे। आगे बात करते हैं इंडिया के यूनिक जॉब क्राइसिस को लेकर, ठीक है, इंडिया के यूनिक जॉब क्राइसिस। देखो अब जॉब क्राइसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स पूरा दे रखा है, आर्टिकल किससे संबंधित दे रखा है, आपके जॉब को लेकर। देखो क्या होता है कि कहीं पर भी जब एग्रीकल्चर में लोग जॉब छोड़ते हैं, आपको मालूम ये भारत कृषि प्रधान देश है आज भी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 65% जो लोग हैं वो आज भी खेतीबाड़ी के अंदर काम करते हैं, उनका घर चलता है खेतीबाड़ी से, इसलिए हम लोग कृषि प्रधान देश है जो कि कहते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, लेकिन जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प है जो कि हमें मिलती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती है और किसान को इतनी इनकम रही नहीं है, तो लोग अपनी जॉब को स्विच करते हैं धीरे धीरे। जॉब स्विच दुनिया के किसी भी देश में जब देखने को मिलती है ना, एग्रीकल्चर से जब लोग शिफ्ट होते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, समझ गए, क्योंकि उनको वहाँ पे थोड़ा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि मिलता है। हमारे यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत जो है ना चेंज है जो कि देखने को मिला, हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया रिसेंट स्टडी के अंदर कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, और वो लोग ज्यादातर जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मजदूरी कर रहे हैं, जबकि उनको काम कहाँ पर करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज में करना चाहिए। अब फैक्ट्रीज में जॉब कम है तो इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट और इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक टाइम पे 1993-1994 में 62% दोस्तों है ना हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट था वो एग्रीकल्चर के अंदर था, धीरे धीरे ये कम होता चला गया। ओके, ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो ये 41% तक है जो कि पहुंच गया आज के टाइम पे। तो आप देखोगे ना कि 20% के नियर बाय रिडक्शन है जो कि देखने को मिला है, समझ रहे हो। और 2018 के अंदर भी बोला गया कि आने वाले टाइम पे जो है वो 33-34% के आसपास पर कैपिटा जीडीपी के अगर हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो फार्म सेक्टर है वो 33-34% लोगों के वर्कफोर्स को जो है वो काम करते हुए लोग है जो कि यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी इतना बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिला है, ये देख सकते हो आप कितने शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर कोविड के बाद में जो है, कोविड के बाद में थोड़ा बहुत ज्यादा लोग वापस से गांव चले गए थे काम करने के लिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 20% का रिडक्शन 30 सालों में देखने को मिला। अब ये 20% लोग जो है वो काम कहाँ पे करते हैं, फैक्ट्रीज में, फॉर्मल सेक्टर में, सर्विसेज में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो नंबर बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 11% से 12% के आसपास पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो ये कम हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर बताई दिया मैंने आपको, माइनिंग के अंदर भी कम है और सर्विसेज के अंदर भी कम हो गया और यूटिलिटीज के अंदर बराबर है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर आज हमारे यहाँ पे मात्र 23% लोग है, 100 में से 23 लोग है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे छुट्टियाँ मिलती है संडे की आपको, जहाँ पे आपको हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं, पर मंथ आपको सही टाइम के ऊपर सैलरी मिलती है, 1 तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख को, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो 100 में से 23 ही लोग हैं जो कि उसमें काम करते हैं, तो हमें इसको इम्प्रोवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे क्या रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है जो कि देखने को मिल रहा है ना, पहले तो कोविड से पहले तो लोग एग्रीकल्चर की जॉब छोड़ रहे थे, कोविड के टाइम पे वापस से लोग चले गए, अब वापस से लौट के आ रहे हैं तो वापस से जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हुई है ये यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है गाइस। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसमें काफ़ी जॉब क्रिएट हुई है, लेकिन बात वही है कि हम जब किसी भी वर्कफोर्स को चेंज करते हैं तो बीच में हमें एक स्किल का गैप लगाना पड़ता है, और ये स्किल करवाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट की इंफ्रा होता है और इंडिविजुअल का मोटिवेशन होता है। तो ये दोनों चीजें जब मिलती है तब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आसानी से होता है। तब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए लेबर है या कोई भी फार्म के अंदर काम कर रहा है, अगर उसको सर्विस सेक्टर में आना है तो इस प्रोसेस से होते हुए वो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में जॉब है जो कि करता है, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, ऑल राइट। तो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है जो कि बन गया है। अगर आप देखोगे तो 11 लाख के आसपास जॉब थी, TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL है ना, टेक महिंद्रा, इन कंपनी के बारे में बात करोगे तो ये 11 लाख लोगों को जॉब दिया करती थी 2 साल पहले, आज के टाइम पे 16 लाख लोगों को देती है। कोविड में डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है पूरी दुनिया में, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ गई है, तो इसकी वजह से जो है इन सारी कंपनी के पास में भी काम ज्यादा आया तो इन्होंने जॉब भी ज्यादा दी है।
तो आज इंडियन रेलवेज और अगर आप बाकी सब मिला लोगे ना, उनसे भी ज्यादा जॉब है जो कि आज के टाइम पे ये आईटी कंपनीज दे रही है। ओके, और दूसरी तरफ जो है रेलवेज है और बाकी जॉब है आपकी डिफेंस फोर्सेज है, वहां पे जॉब जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। चलिए ठीक है गाइज, अब क्या कर सकते हैं इसके इसको इंप्रोवाइज करने के लिए, है ना। एक तो हमें स्किल एड ऑन करने की जरूरत है एग्रीकल्चर लेबर के अंदर। चलिए दूसरा जो है हमें इंडस्ट्रीज जो है लेबर इंसेंटिव जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग, लेदर, फुटवेयर, है ना, वुड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इंडस्ट्रीज देखोगे ना, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम है लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर का काम है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको काम में ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करना बहुत जरूरी है ताकि छोटी छोटी जगह पे भी जो है रूरल एरिया के अंदर भी इंडस्ट्री का सेटअप हो सके। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव है दोस्तों, दक्ष है, महात्मा मनरेगा है ना, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, ये सारे के सारे योजना जो है वो इसी को इंप्रोवाइज करने के लिए लाई गई थी। आगे बात करते हैं फंगस के बारे में बात करेंगे। देखो रिसेंटली क्या हुआ, CSIR ने ना एक फंगस के बारे में पता किया है। ये फंगस पता क्या करेगी, बायो रेमिडिएशन का काम करेगी, ये हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगी। समझ गए मेरी बात। तो इस फंगस के बारे में CSIR ने दोस्तों रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है कि ये क्या कर सकती है, हमारे सॉइल में से, एनवायरमेंट में से टॉक्सिक को रिमूव कर सकती है ना, जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे कैंसर कॉजिंग होते हैं उनको रिमूव कर सकती है हमारे एनवायरमेंट से। समझ गए, तो इसको पायरेनी है जो कि पायरेनी है ना, तो ये फंगस है, देख सकते हो फंगस फॉर पायरेन रेमिडिएशन। तो मतलब जो हमारे पॉल्यूशन होता है ना, जो ये जो कार्सिनोजेनिक भी है, टॉक्सिक भी है, उसको रिमूव करने के लिए फंगस है जो कि हमें यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, चलिए देखो पायरेन क्या होता है, इसके ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होती है ना, जो कि आपको एनवायरमेंट के अंदर पाई जाती है, बहुत ही कार्सिनोजेनिक होती है, आपको सॉइल में, वाटर में, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये बहुत एनवायरमेंट को पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इसको कम करने का जो तरीका है ना वो क्या है, एक फंगस है जो कि हमें मिली है। इस फंगस से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इसने 80%, 65% और 56% जो है वो क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया पायरन के कंसंट्रेशन के अंदर। इसके कंसंट्रेशन में रिडक्शन है जो कि कर दिया, समझ गए। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये जो फंगस है व्हाइट रोड फंगस, इसके होने से काफी बेनिफिट है जो कि बताए गए। तो पॉल्यूशन जो लेवल सॉइल का है उसको रिड्यूस करने में ये काफी काम कर रहा है। ठीक है गाइस, सॉइल की क्वालिटी को ये क्या कर देगा, इंप्रोवाइज कर देगा। चलो, तो फंगस टी मैक्सिमा इसका नाम है जो कि हमें इंप्रोवाइज करने के अंदर मदद करेगा। तो आने वाले टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बायो रेमिडिएशन के अंदर इसकी हेल्प ले सकते हैं। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसे जो आपके है ना ऑर्गेनिज्म है उनको साइंस की मदद से क्या करते हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करते हो। ठीक है गाइस, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रोब्स है ना, उनको जैसे कि आपको मालूम है कि अगर पानी ऑयल गिर जाता है ना अगर आपके समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर, तो उस ऑयल को हटाने के लिए भी हमने एक बैक्टीरिया बना रखा है। ओके, तो उस बैक्टीरिया की मदद से, वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, तो समुद्र के ऊपर मान लो ऑयल गिर गया शिप के लीक होने की वजह से, तो उस ऑयल को हटाने के लिए हमें बैक्टीरिया काम में लेते हैं। ऐसा हमने पहले बॉम्बे में कर चुके हैं, समझ गए। तो इसी तरीके से हम लोग काम में करते हैं, तो उसको हम लोग बायो रेमिडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जो कि आई है जिसमें बताया गया है कि हमारे कई सारे इंडियंस हैं जो कि अभी क्या कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं और ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काफी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दो तरीके का बिजनेस होता है, एक तो इनबाउंड होता है जब फॉरेन से लोग इंडिया आते हैं, एक होता है आउटबाउंड जब इंडिया से लोग जो है वो विदेश में जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है गाइस, तो हमने जो है वो टूरिज्म के अंदर विदेश जाने के अंदर हमने $42 बिलियन की का अमाउंट है जो कि हम लोग क्रॉस कर लेंगे 2024 तक, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो हमने $42 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है जो कि हम लोग विदेश में देंगे अगर बाहर जाते हैं, बाहर जब हम लोग घूमने जाएंगे उस चीज को लेकर। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ग्लोबली आज के टाइम पे, और हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे 80 मिलियन पासपोर्ट है ना, 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ के आसपास पासपोर्ट लेवल ऑफ परचेजिंग पावर जो है वो देखने को मिल रही है। मिडिल क्लास के पास में आज के टाइम पे 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है वो पासपोर्ट अवेलेबल है। ओके गाइस, आज के टाइम पे यंग पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी जो है वो आज के टाइम पे घूमने में बहुत इंटरेस्टेड है। सबको समझ में आया है कि भाई ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए। तो ट्रैवलिंग पहले के आपके अगर आप हमारे मदर फादर वाले जनरेशन को देखोगे ना, तो उस टाइम पे वो लोग इतना ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड थे नहीं, जाते थे ट्रैवलिंग में मतलब मे बी वो लोग भी, लेकिन वो ज्यादातर
जो अपने मंदिर मस्जिद जो अपने रिलीजियन प्लेसेस है उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन अगर आप आज की जनरेशन के बारे में बात करोगे तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन है ना फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट देखना, नेशनल पार्क या फिर इंडिया के बाहर यूरोपियन कंट्रीज जो कल्चर है, एडवांस कल्चर्स है, उन सबको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, तो बहुत ही लुक्रेटिव टूरिज्म है, मार्केट है जो कि दुनिया का बन चुका है। यूरोप के अंदर आज जो 20% टूरिस्ट टोटल आते हैं वो इंडिया से आते हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो टोटल टूरिस्ट आते हैं उसके 10% इंडियंस होते हैं, है ना, और बाकी लोग जाते हैं फिर हमारे कहाँ पे, थाईलैंड और ठीक है इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी जो है वो थोड़ा सस्ता है इसलिए थोड़ा घूमना आसान है वहाँ पे, इसलिए लोग जाते हैं। ठीक है, थाईलैंड को लेकर हमेशा इस तरीके से मत सोचा करो, थाईलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, वो तो 2-3 मूवीज आ गई उसके वजह से थाईलैंड बेचारा बदनाम हो गया, अदरवाइज अगर आप सदर्न थाईलैंड बैंकॉक पटाया के अलावा अगर कभी आप सदर्न थाईलैंड पे जाओगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मरीन लाइफ बहुत ही अमेजिंग है और अलग ही दुनिया में आपको जो है कोरल रीफ और ये सब देखने को मिलेगी, है ना। चलिए ठीक है, तो पहले अगर आप देखोगे तो $12 बिलियन का खर्चा है जो कि इंडियंस ने किया विदेश के अंदर, और उस 2019 से कोविड से पहले $22 बिलियन तक का दोस्तों खर्चा है जो कि इंडियंस ने विदेश में किया था। गवर्नमेंट को इसको रिकमेंड करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो ये जरूरी है, अगर हमें विदेशी भारत में चाहिए तो भारत के लोग भी विदेश में जाने जरूरी है, तभी वो इंडिया के कल्चर को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, तब लोग समझ पाते हैं, है ना, तभी टूरिज्म बढ़ता है। तो गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो अपकमिंग डेस्टिनेशन में डायरेक्ट फ्लाइट बढ़ाने चाहिए। क्रूज दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन अभी तक हमने क्रूज वेसल जो है इसके ऊपर ज्यादा काम किया नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके चलिए ठीक है गाइस, और हमारे यहाँ तो दोस्तों बहुत टाइम से लोग विदेशी आते रहते हैं, हम लोग हमारे भी यहाँ पे नियर बाय 1-1.5 करोड़ लोग हैं जो कि विदेशी घूमने आते हैं हर साल, है ना। आपको मालूम है चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थाई हू सैंग वो इंडिया घूमने आया था, बहुत लोग आए फिर फॉरन के टाइम पे, तो मतलब पहले एशियन इंडिया के टाइम पे, मिडेवल के टाइम पे तो बहुत लोग है जो कि इंडिया आते थे। इंडिया लोगों के लिए बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करते, लोगों का सपना हुआ करता था कभी इंडिया जो है वो आए, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत चीज़ें ऑफरिंग हुआ करती थी, है ना, बहुत चीज़ें थी इंडिया के अंदर, स्पेशली जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी है ना उसको तलाशने, तो फिर यहाँ पे आपको मालूम है स्टीव जॉब, जुकरबर्ग, पता नहीं कितने बीटल्स, बहुत लोग हमारे इंडिया के अंदर आए रह के गए। आपने सुना होगा ना अपने उत्तराखंड के अंदर नीम करोली बाबा है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं नाम, तो वहाँ तो जुकरबर्ग और ये बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और ये स्टीव जॉब्स, पता नहीं कितने लोग जो है वहाँ पर कई दिन तक रह के गए। अभी कुछ टाइम पहले स्टीव जॉब्स आए थे तो वापस से उस आश्रम में जाके आए थे, सॉरी स्टीव जॉब्स का जुकरबर्ग है ना, बहुत ही प्राइवेट विजिट थी। और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आते रहते हैं, तो इंडिया हमेशा इस चीज़ के लिए काफ़ी नोन रहा है, और हम लोग खुद ही जो है इस चीज़ को, मेडिटेशन को, इन सब चीज़ों को है ना, अपलिफ्टमेंट को, इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते, जबकि विदेशी आके बहुत समझते हैं इन चीज़ों को। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारा GDP के अंदर दोस्तों हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, हमारे GDP में 7% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन है। नौकरियों के बारे में बात करें तो टोटल 8% जो जॉब्स हैं वो हमारे टूरिज्म से हमारे देश के अंदर मिली हुई है। 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले धोलावीरा रमप्पा टेम्पल को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं, बाकी तो कैसे और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है वो बता रखा है ना, कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। कई सारे हमारे यहाँ पे सरकार ने स्कीम भी लॉन्च कर रखी है, स्वदेश दर्शन है, आइकॉनिक साइट्स है, बुद्धिस्ट कंक्लेव, देखो अपना देश इनिशिएटिव है ना, ये सब भी लॉन्च कर रखी है ताकि हमारे टूरिज्म यहाँ पे बढ़े। आगे बात करते हैं रिकवरी ऑफ कोरल रीफ इन ग्रेट बैरियर रीफ। देखो ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर जो है ना वो क्या हो रहा है कि अभी कुछ टाइम से है ना कि रिकवरी हो रही है कोरल रीफ की, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक हार्ड कोरल जो है ना वो वहाँ पे मिली है और वो क्या करती है, रिकवरी करने का काम करती है। तो ये नेचर का अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वरना इंसान के हाथ में छोड़ दिया जाए तो हर चीज़ को खत्म करने में लगा हुआ है, लेकिन नेचर अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है जहाँ तक वो कर सकती है। तो हाई लेवल ऑफ कोरल रीफ कवर एरिया जो है वो पिछले 36 सालों के अंदर जो है ना वो यहाँ पे स्टडी किया गया। ओके, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला जो स्टेट है ना, जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको ये बैरियर रीफ है जो कि देखने को मिलेगी। उसके नीचे देखिए ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स है ना, उसके नीचे विक्टोरिया स्टेट आ जाएगा, ये सब है। तो ये काफ़ी बड़ा ये एरिया है ग्रेट बैरियर रीफ का, ये कोरल्स का बहुत बड़ा एरिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल्स आपको इसी एरिया में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो काफ़ी टाइम से क्या अभी यहाँ पे साइक्लोन थोड़े से कम हो गए, हीट वेव थोड़ी सी कम देखने को मिली, उसके वजह से रिकवरी जो है वो बढ़ गई है। ओके, तो ये स्टडी है जो कि रिसेंटली यहाँ पर करी गई है, और ये
ग्रोथ जो हुई है वो सेंट्रल और नॉर्दर्न एरिया में ज्यादा देखने को मिली है, तो 36% है जो कि हार्ड कोरल एरिया पहुंच गया, और सेंट्रल के अंदर 33% के आसपास। हालांकि सदर्न के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन है जो कि कोरल कवर के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक्रोपोरा, ये कोरल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एक्रोपोरा जो ये कोरल है ना, ये हार्ड कोरल होती है। ये क्या करती है, ये वापस से रिवाइव करने की कोशिश करती है, समझ गए। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है जिसकी वजह से रिकवरी देखने को मिल रही है। नेचुरल क्लाइमिटीज भी थोड़ी बहुत कम हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से भी थोड़ा बेनिफिट मिला है। क्लाइमेट चेंज होगा तो डेफिनेटली दोस्तों वापस से हमारे कोरल को नुकसान पहुंचेगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, कोरल कम हो जाएगी। ठीक है, कोरल्स कुछ नहीं होते, कोरल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कोई स्पाइन नहीं होती है, विदाउट हड्डी के, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, है ना। हमारे बायोडाइवर्सिटी का 8% जो हिस्सेदारी है पूरी दुनिया में वो इन्हीं की है, जबकि इनकी पॉपुलेशन 1% होती है, समझ गए। हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, दो प्रकार की कोरल होती है। अगर आपने कभी कभी स्कूबा डाइविंग कभी आप जिंदगी में करोगे ना, कभी कोशिश करना, 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे आपके जिंदगी में, कभी पैसे बचा के थोड़ा सेव करके कभी स्कूबा डाइविंग करके आना किसी कंट्री के अंदर, थाईलैंड या किसी भी मेजरली यहाँ पे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे मिल जाती है स्कूबा डाइविंग। हमारे इंडिया में भी होती है गोवा और यहाँ पे, लेकिन वो फर्जी होती है, कुछ खास अच्छा कोरल अपने यहाँ पे होया नहीं। अंडमान निकोबार में हो सकती है, लेकिन शायद अभी वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करने रखा है। ओके, तो विदेश में आपको देखने को मिलेगी, जिस दिन आप समुद्र के नीचे जाओगे उस दिन आपको पता लगेगा कि कोरल के बारे में इतनी बातचीत क्यों होती है, है ना। कोरल कितनी ब्यूटीफुल होती है, हालांकि दुनिया देखने को मिलती है। और हालांकि क्या ब्यूटीफुल के बारे में बात नहीं है, आपके नेचर को बहुत सपोर्ट करती है। हम लोग जिंदा जो है ना वो इसी वजह से है क्योंकि नेचर जिंदा है, तो नेचर को जिंदा रखने के अंदर 8% बायोडाइवर्सिटी कोरल देती है। ओके, तो वो अपने आप में बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज अल नीनो इफेक्ट और ये सब पैटर्न जो यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिले, इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे इस बार कुछ सालों के अंदर रिकवरी हुई है। अदरवाइज मास ब्लीचिंग है जो कि यहाँ पे रिसेंटली पहले देखा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा कोरल्स है जो कि मर जाया करती थी। ठीक है, तो कोरल्स क्या होते हैं, ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई स्पाइन नहीं होती। ये बिगेस्ट लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है पूरे प्लैनेट के अंदर, है ना। कोरल को हर एक कोरल जो है वो है ना पॉल्प बोलते हैं इसको, और ये सारी मिलकर जो है वो क्या बनाती है, कॉलोनी बनाती है और अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। एक तो होती है हार्ड कोरल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, बहुत ही हार्ड होती है, व्हाइट कोरल जिसको अपन लोग कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, एक होती है आपकी सॉफ्ट भी होती है, एक सॉफ्ट कोरल्स भी होती है ना, जो कि ओल्डर कोरल्स होती है। चलिए, सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे, मैंने तो 8% कम बताया था, यहाँ पे देखो 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी, 8% तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मरीन डाइवर्सिटी के बारे में बात करें बायोडाइवर्सिटी तो 25% ऑफर करती है, और मात्र 1% एरिया है जो कि ऑक्यूपाई करती है। हमारे दुनिया में अगर मैं पैसे के बारे में मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है, $2.7 trillion का कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, समझिए मेरी बात। क्योंकि ट्रेड और टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा होता है कोरल की वजह से, फिशिंग को जो है, ये मछलियां भी इन्हीं की वजह से जिंदा है। अगर ये नहीं होगी तो मछलियां नहीं होगी, मछलियां नहीं होगी तो फिशिंग नहीं होगी, फिशिंग नहीं होगी तो लोगों को जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको खाने की समस्या हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है गाइस, तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, 2300 किलोमीटर का दोस्तों ये लॉन्ग एरिया है जहाँ पे 3000 इंडिविजुअल रीफ आपको देखने को मिलती है, 400 डिफरेंट टाइप की कोरल्स देखने को मिलती है, 1500 स्पीशीज आपको मछलियों के, है ना, ये सब देखने को मिलते हैं। और कोविड के टाइम पे भी दोस्तों कोरल रीफ ने $4.6 billion का एनुअल रेवेन्यू है जो कि टूरिज्म में, और 60,000 लोगों को यहाँ पे डाइवर्स हैं, गाइड्स हैं, उनको यहाँ पे नौकरी है जो कि अवेलेबल करवाई थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे बात करी गई है कि हम लोग ओशन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट है जो कि करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं तेजस को लेकर। तो तेजस को दोस्तों हमने क्या किया, काफी प्रमोट कर रहे हैं हम लोग को तेजस को, और अभी कई सारी कंट्रीज को हम लोग तेजस जो है वो बेच रहे हैं, कई सारे कंट्रीज के साथ में हमने डील की बात हो रही है, जैसे कि मलेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूएस, इंडोनेशिया, फिलिप्स, है ना। तो ये सारे के सारे काफी इंटरेस्टेड है सिंगल जेट के अंदर, सिंगल सीटेड जेट है ना आपका तेजस जो है वो लाइट वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग बनाया गया है इसको। अगर सिंगल इंजन जेट के बारे में मैं बात करूं, सस्ता भी पड़ता है, तो $6 billion का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि भारतीय गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। 83 दोस्तों जो है वो लोकली प्रोड्यूस करने के लिए बोले हैं, ताकि दुनिया के काफी सारे देशों को हम लोग क्या कर सके, बेच सके। अभी हमने 18 जो है ना वो मलेशिया को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। ठीक है गाइस, और हम लोग तेजस से हमारी जो मिग 21 है ना उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब काफी पुराने हैं। चलिए, और ये पहली बार 1984 में प्रोग्राम है जो कि चलाया गया था, और धीरे धीरे जो है हम लोग इनके काफी एडवांस वर्जन है जो कि लॉन्च कर रहे हैं। ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, है ना, वेपन से जो कि यूज करता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हो सकती है,
4000 केजी का दोस्तों मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है इसका, 1.8 मैक इसकी स्पीड है और 3000 किलोमीटर तक ये एक बार में जा सकता है। दुनिया के लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि ये माने जाते हैं। ओके, कई सारे वर्जन है, MK2, MK1 ये सब हमने लॉन्च करे हैं इसके। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों डबल फार्मर इनकम डबल करने के लिए पंच अमृत योजना है जो कि लॉन्च करी है। कई साल पहले भी दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करी थी फार्मर की इनकम डबल करने के लिए 2022 तक, है ना, लेकिन डबल तो हुई नहीं, डबल कम शायद ज्यादा हो गई। चलिए ठीक है, आगे बात करें तो बिल्कुल यार एक तरीके से फ्लाइंग कॉफिन है जो कि बन चुके हैं आज के टाइम पे MiG-21। हमारे कई सारे जो है जवान है जो कि शहीद हो गए MiG-21 पुराने होने की वजह से। वात्सल्य योजना दोस्तों बच्चों के लिए लॉन्च करी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे। वोकैबुलरीज की बात करें, एरेंट का मतलब होता है जब आप कंप्लीट कोई भी चीज करते हो उसको कहते हैं, है ना। इरेक्ट का मतलब कोई भी चीज को लिफ्ट करना, खड़ा करना। चौक का मतलब है टू अप्लाई करना किसी भी जॉइंट के ऊपर, ब्लॉक कर देना किसी को। एट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिक्लाइन करना, डिविडल करना उसको कहते हैं। इसके अलावा चलिए आज का पहला सवाल है आपको बताना है बेरोजगारी के बारे में, है ना। डिस्गाइज बेरोजगारी किसको कहते हैं, डिस्गाइज बेरोजगारी। CSIR के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तेजस एयरक्राफ्ट किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन से आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम में लिए जाते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, फन फैक्ट के बारे में बात करें। ओके चलिए, ये तो खैर आपको मालूम ही है फन फैक्ट, है ना, 7 चक्कर जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है गाइस, 360 डिग्री होते हैं और ठीक है, चलिए ये तो आपको मालूम ही है वैसे। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।